अस्सलाम वालेकुम सेवेंथ क्लास। आज बेटा हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आपकी उर्दू की रीडिंग बुक का पेज नंबर है 100 और आपके सबक का उनवान है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। ठीक है बेटा, रीडिंग बुक का पेज नंबर 100 निकालिए और उसके साथ साथ आप लोग बेटा पेंसिल वगैरह ले लीजिए अपने हाथों में ताकि आप मुश्किल अल्फाज के जो मानी है वो नोट कर सकें। जी बेटा, रीडिंग आज स्टार्ट करते हैं। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, यानी कि इंसान की ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि वो अपने जैसे दूसरे इंसानों के काम आ सके। ठीक है, यानी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी किसी न किसी मकसद के तहत गुजारनी चाहिए। बेमकसद जो ज़िंदगी है, कि अगर इंसान का कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी गुजारने का तो उस शख्स की ज़िंदगी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी बेटा स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी, यानी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी किसी मकसद के तहत गुजारनी चाहिए। हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में नेक काम करना चाहते हैं, लोगों की भलाई और फलाह बहबूद के काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को लोग सदियों तक याद भी रखते हैं। तो क्या है कि सही मानों में अगर आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप दूसरों के काम आ सकें। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि इंसान एक माशरती हैवान है। माशरती का मतलब है समाजी और हैवान का मतलब है जानवर। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि साइंस के रूप से इंसान जो है उसका शुमार भी एनिमल्स में ही होता है। ठीक है, इसलिए आप ये लफ्ज़ पढ़कर हैरान मत हो कि इंसान जो है वो एक समाजी जानवर है। वो माशरे में रहने पर मजबूर है, उसे कदम कदम पर दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान वही है जो दूसरों का खैरखा और हमदर्द हो। खैरखा का मतलब है भलाई चाहने वाला और हमदर्द का है मतलब है दूसरों के साथ हमदर्दी का बर्ताव करने वाला, यानी कि उनका ख्याल रखने वाला। अगर इंसान दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझता तो वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। दूसरों के काम आना और मुसीबत में उनकी मदद करना ही असल इंसानियत है। यानी कि सही मानों में इंसान तभी इंसान कहलाने का मुस्तहिक बनता है अगर वो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखे। आप इस्लामियात में हुकूक उल इबाद के बारे में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला जो है हर इंसान को ये कहता है कि वो जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उनका ख्याल रखें। अगर कोई शख्स मुसीबत में मुब्तला है तो उसकी मदद करें। कोई बहन भाई आपसे मदद मांगता है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। जब जज्बाए हमदर्दी बढ़ जाता है तो इंसान दूसरों को अपने आप पर तरजीह देने लगता है। तरजीह के लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें, फौकियत देना, यानी कि अपने हक को छोड़कर, अपने आराम व सुकून को छोड़कर आप दूसरे का ख्याल करें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें, चाहे उसके लिए आपको अपना आराम और सुकून जो है उसकी कुर्बानी देनी पड़े। ठीक है, वो अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डालकर अपने भाई बंदों के मफादात को अवलियत देने लगता है। ज़ाती मफाद यानी कि अपना जो फ़ायदा है। ठीक है, मफादात मुफाद की जमा है जिसका मतलब है फ़ायदे। पसे पुश्त डालना इसका मतलब है भुला देना। यानी कि इंसान के अंदर जब हमदर्दी का जज्बा, हर शख्स हमदर्दी करता है, हम भी हमदर्दी करते हैं, किसी शख्स को मुश्किल में देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम
छोटी मोटी मदद कर सकते हैं किसी की, यानी कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए वक्फ नहीं कर सकते। तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जिंदगी का आराम और सुकून दूसरे लोगों की भलाई के लिए कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको सदियों तक लोग याद भी रखते हैं और उनका नाम जो है वो रहती दुनिया तक कायम भी रहता है। वो अपनी ख्वाहिशात को भूलकर अपने भाइयों के काम आता है, वो अपनी ज़रूरियात की कुर्बानी देकर दूसरों की मदद करता है। इस जज्बे का नाम इसार है। इसार का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा, इसार का मतलब होता है कुर्बानी देना, ठीक है। कि कोई चीज़ आपको पसंद है लेकिन आप उसको, अपने भाई को अगर वो चीज़ चाहिए तो आप उसे वो चीज़ दे दें और ख़ुद आप सब्र कर लें, इसी का नाम कुर्बानी है। तो कुछ लोगों के अंदर ये जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इस्लाम ने हमें इसार की तालीम दी है, यानी कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो हमें यही सबक देता है, हमें यही तालीम देता है कि हम दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करें, चाहे उसके लिए हमें खुद सब्र करना पड़े। कुरान मजीद में सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जज्बा इसार की तारीफ इन लफ्ज़ों में की गई है। कुरानी आयत का तर्जुमा है, और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं ख्वाह वो खुद भी फाके से हों। जी उनको कौन, यानी कि अपने भाइयों को, दीनी भाइयों को। उसमें दीनी भाई भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो शामिल है। यानी कि सहाबा कराम के बारे में ये बताया गया है कि उनका तर्ज अमल क्या है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि अपने भाइयों को अपनी जान से भी ज़्यादा तरजीह देते हैं, यानी कि भाइयों के आराम और सुकून को और उनकी ज़रूरियात को बहुत ज़्यादा फौकियत देते हैं। इतनी फौकियत देते हैं कि खुद चाहे वो फाके से हों, फाके का मतलब होता है भूखा रहना, खुद तो भूखे रह लेते हैं लेकिन अपने भाई को खाना ज़रूर जो है उसके लिए इंतज़ाम करते हैं। हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी से भी बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि जब आप किसी वक़्त खाना खाने लगते तो बाहर कोई आप के दरवाजे पे आकर सदा लगाता कि खाना चाहिए, तो आप उसी वक्त अपना खाना उस शख्स भूखे को खिला देते और ख़ुद बाज़ औक़ात कई कई दफ़ा कई कई दिन फाके के साथ रहते थे। तो सहाबा कराम जो कि आपकी पैरवी करते थे, जिस तरह आपका तर्ज अमल था आपको ही कॉपी करते थे, तो वो लोग भी इसी तरह करते कि अगर उनको खुद भूखा भी रहना पड़ता तो खुद भूखे रहकर अपने दूसरे भाई की मदद करते और उसे खाना खिला देते थे। अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जसद वाहिद की मानिंद है। जसद वाहिद एक जिस्म, अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में मुबतला हो तो पूरा जिस्म बेचैनी और बेआरामी में मुबतला हो जाता है। जी ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा यानी कि पूरी मुसलमानों की जो उम्मत है, कौम है, उसे कहा है कि ये पूरी कौम एक जिस्म की तरह है। अब एक जिस्म है, हम अपने जिस्म के बारे में अगर सोचें तो देखें कि हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई चोट लगती है, कहीं दर्द होता है, तो पूरा जिस्म जो है वो बेआराम हो जाता है। आपके पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, या हाथ पे चोट लग जाए, एक छोटा सा कट लग जाए, तो क्या आप आराम और सुकून से रहते हैं? आपको तकलीफ होती है और आप उस दर्द को महसूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस दर्द को दूर किया जा सके। तो हमारे प्यारे नबी ने भी कहा कि जो उम्मत मुस्लिमा है, मुसलमानों की जो उम्मत है, वो एक जिस्म की मानिंद है। मानिंद का मतलब तरह है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई मुसलमान तकलीफ में मुबतला होगा तो पूरी कौम उसकी बेआरामी और तकलीफ को कम करने के लिए जो है वो उठ खड़ी होगी, ठीक है ना। क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारी जो कौम या उम्मत की बुनियाद अगर मजहब के तौर पे देखा जाए तो वो सिर्फ खाली किसी जगह, किसी इलाके या किसी मुल्क के साथ जो है वो जुड़ी हुई नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए काम करना हमारे लिए जो है बाइस फ़ख्र है। लेकिन जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को मिल्लत इस्लामिया का फ़र्द कहते हैं, जब हम मुसलमान कहलाते हैं,
तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो हमारे भाई हैं, और अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो उनकी तकलीफ को दूर करना और उनकी तकलीफ को महसूस करना जो है वो हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हिज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जी, जब हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई बन जाता है। अब भाई और भाई का रिश्ता कितना प्यारा होता है, या बहन भाई का रिश्ता, क्या कोई सोच सकता है कि अपने किसी भाई को तकलीफ पहुंचाए या उसका नुकसान करें। तो इसीलिए इस्लाम ने हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बना दिया कि वो उसको अगर तकलीफ में देखे तो उसकी उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करे, और जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे। एक हदीस के मुताबिक जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है, अल्लाह ताला कयामत के रोज़ उसकी परेशानी दूर करेगा। ये भी सही मुस्लिम की हदीस है। यानी कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की परेशानी दूर करता है तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसका अजर देगा। कि अगर कयामत के दिन जिस शख्स ने दूसरे की मदद की थी उस पर कोई परेशानी का वक्त आ जाता है, तो फिर अल्लाह ताला वहां पर कयामत के दिन जब कोई किसी की मदद नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उस इंसान की हुई नेकी के बदले में उसकी मदद जरूर करेगा। तो कितनी अच्छी बात है कि देखिए, हम दुनिया में अगर किसी की छोटी सी तकलीफ को दूर करते हैं तो कयामत के दिन जो है वो नेकी हमारे काम आ जाएगी। तारीख़ इस्लाम के औराक इसार हमदर्दी की रोशन मिसालों से भरे पड़े हैं। औराक जो है वो वर्क की जमा है जिसका मानी है सफहात। कुफारे मक्का के जुल्मों सितम से तंग आकर मुसलमानों ने मदीने की तरफ हिजरत की। हिजरत के लफ्ज़ से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला की राह में जब मुसलमान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो उसे हिजरत कहा जाता है। ठीक है, मुसलमानों ने अपना घर बार मालो दौलत छोड़ छाड़ कर बेसरो सामानी के आलम में मदीने की सरजमीन पर कदम रखा। जी, हिजरत मदीना के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किस तरह जब मक्का में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया, कुफार ने उनको बहुत ज़्यादा तंग किया, तो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया कि आप मदीना की तरफ चले जाएं। तो उस वक़्त किस तरह मुसलमान अपने घर बार, अपना रुपया पैसा सब कुछ छोड़ कर खाली हाथ जो थे वो मदीना, बेसरो सामान, जिसके पास कोई सामान ना हो। अब ज़िंदगी गुजारने के लिए आप अपनी जिंदगी कितने सामान की ज़रूरत होती है, सबसे पहले घर बार, हर चीज़ जो घर के अंदर मौजूद है आपको उससे मोहब्बत होती है। अगर कोई आपसे कहे कि आप सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं तो कितनी मुश्किल बात है। तो उस वक्त मुसलमानों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपना घर बार और मालो दौलत छोड़कर बगैर किसी सामान के अल्लाह के आसरे पे मदीना की तरफ हिजरत की। और मदीना में फिर उनके साथ क्या हुआ, आगे वो पढ़ते हैं। अहले मदीना ने अपने मुहाजिर भाइयों के साथ जो हुस्ने सलूक किया वो कयामत तक याद रखा जाएगा। अब मदीना के जो लोग थे उन्होंने अपने महाजर भाइयों के साथ जो कि हिजरत करके आए थे, उनके साथ जो उम्दा सलूक किया, हुस्ने सलूक यानी कि उम्दा और बेहतरीन सलूक किया जो कयामत के दिन तक याद रखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक महाजर को एक एक अंसारी का भाई बना दिया। अंसारे मदीना ने इस नए रिश्ते को खून के रिश्ते से भी बढ़ कर निभाया। जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो वहाँ पर आपने मदीना के लोगों से कहा कि एक एक मुहाजिर को अपना भाई बना लो और अपने घर ले जाओ। अंसारी कौन थे, जो कि मदीना के लोग थे वो अंसारी थे, और मुहाजिर वो थे जो मक्का से हिजरत करके आए थे। और अंसारे मदीना ने इस नए रिश्ते को खून के रिश्ते से भी बढ़ कर निभाया। यानी कि सगे बहन भाइयों का तो खून का रिश्ता होता है ना, एक कुदरती बात होती है, उससे मोहब्बत होती है,
कोई भी चीज़ आप अपने बहन भाई के साथ आराम से शेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई गैर शख्स जिसको आप जानते भी नहीं हैं, आप उसके साथ कैसे अपनी हर चीज़, अपना घर, अपने घर का सामान, हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, अपना खाना पीना। लेकिन देखें कि अंसार मदीना ने अपने मुहाजरीन भाइयों के साथ अपनी हर चीज़ को शेयर किया। उन्होंने अपने घरों में अपने भाइयों को बसाया, बागात वगैरह में उन्हें शरीक और साझेदार बनाया, खुद तंगी काटी मगर अपने मुहाजिर भाइयों के लिए कुशादगी मुहैया की, यानी कि अपने घरों में रहने के लिए जगह दी, जो उनकी जायदाद थी, बागात वगैरह, खेती बाड़ी के लिए काश्तकारी जो जमीन थी उसमें, बल्कि अपने भाइयों को हिस्सेदार भी बनाया, यानी कि आगे जितनी भी जमीन उनके पास थी आधी आधी अपने मुहाजिर भाई को दे दी। खुद तंगी काटी, जाहरी सी बात है, एक घर में अगर चार अफराद रह रहे हों तो उस घर में मजीद चार और अफराद मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए आ जाएं, तो फिर आपको पता है कि तंगी तो होती है। तो इसी तरह उन लोगों ने खुद तंगी काटी, यानी कि परेशानी बर्दाश्त की और अपने मुहाजिर भाइयों के लिए कुशादगी, लेकिन उनके दिल जो थे बहुत वसी थे। कुशादगी का मतलब है वसत, ठीक है, यानी कि बड़ापन दिखाया उन्होंने अपने मुहाजिर भाइयों के लिए कि दुनिया की तारीख इस तरह की मिसाल पेश करने से कासिर है। जब से दुनिया बनी है और कयामत तक इस तरह की कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं जो है वो आ सकती। इसी तरह इसार की एक और दरख्शंदा मिसाल देखें। दरख्शंदा का मतलब है रोशन। यरमूक के मैदान में लड़ाई जारी है। एक शख्स जख्मियों को पानी पिलाने की खिदमत पर मामूर है, मामूर है, मुकर्रर है। एक तरफ से उसके कान में आवाज आती है पानी, वो आवाज की सम्त बढ़ता है, मशकीजी से पानी का प्याला भरता है और अपने जख्मी भाई को पेश करता है। मशकीजा होता है चमड़े का थैला, जैसे अब आपकी वाटर बॉटल होती है कि आप कहीं जाते हैं तो अपनी वाटर बॉटल साथ लेके जाते हैं, इसी तरह पुराने जमाने में चूंकि प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स नहीं होती थी तो उस जमाने में चमड़े का एक थैला सा सीते थे जिसके अंदर पानी को महफूज किया जाता था, और जंग के दौरान या सफर पे जाते हुए लोग उस मशकीजे को अपने साथ रखते थे। वो पानी का प्याला पकड़ने के बिल्कुल करीब है कि एक और जख्मी की आवाज आती है पानी। पहला जख्मी ये कहकर पानी पीने से इनकार कर देता है कि पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, यानी कि खुद जख्मों की ताब नहीं ला रहा, जख्मों से बुरा हाल है, मुंह उसका खुश्क हो रहा है, लेकिन जब पानी पीने लगता है पहला शख्स तो उसको अपने करीब से आवाज आती है कि कोई और जख्मी पानी मांग रहा है। तो वो पानी पिलाने वाले से कहता है कि पहले मेरे उस भाई को पानी पिला दो। देखिए कुर्बानी की मिसाल है कि जब इंसान की जान पे बनी हो, शदीद उसको जख्मों चोटें लगी हुई हों, जख्म उसके जिस्म पे बने हुए हों और उसका गला खुश्क हो रहा हो, गले में कांटे पड़ते हैं जब ज्यादा प्यास लगी होती है, तो फिर भी वो अपनी प्यास बुझाने की बजाय कह रहा है कि पहले मेरे उस भाई को पानी पिलाओ। उसकी प्यास की शिद्दत मुझसे ज्यादा हो सकती है। पानी पिलाने वाला मशकीजा उठाए पानी का प्याला हाथ में थामे दूसरे जख्मी के पास आता है। वो उसको पानी पेश करने ही वाला होता है कि एक तीसरे जख्मी की आवाज आती है पानी। दूसरा जख्मी भी पानी पीने से इनकार कर देता है और वो पानी पिलाने वाले से अर्ज करता है, यानी कि दरख्वास्त करता है कि पहले उस जख्मी को पानी पेश किया जाए। पानी पिलाने वाला तेजी से तीसरे जख्मी का रुख करता है मगर उसके पहुंचने से पहले ही वो शहादत पा चुका होता है, यानी कि शहीद हो चुका होता है। पानी पिलाने वाला अब वापस दूसरे वाले के पास पलटता है। दूसरे जख्मी के पास आता है तो उसकी रूह भी परवाज कर चुकी होती है। रूह परवाज करना यानी कि वो भी शहीद हो चुका होता है, दूसरा शख्स भी। अब वो पहले जख्मी की तरफ आता है कि मैं उसके पास जाऊं, मगर वो भी शहीद हो चुका होता है। यूं तीनों मुसलमान जख्मियों ने अपनी जानें दे दी लेकिन अपनी प्यास पर अपने भाई की प्यास को तरजीह दी, यानी कि उसने अपने भाई का ख्याल किया। अब सोचे कि जिस शख्स की मौत इतनी करीब हो और उसे जख्मों की शिद्दत और दर्द की शिद्दत की वजह से उसको प्यास लगी हो तो वो उस वक्त खुद पानी नहीं पीता, हकुकुल इबाद का ख्याल करता है कि उसके भाई को शायद उससे ज्यादा प्यास लगी हो तो वो पानी नहीं पीता। तो क्या हुआ कि तीनों जो थे वो शहीद हो गए और एक दूसरे को पानी पिलाने
की वजह से कोई भी पानी ना पी सका, इससे बढ़कर इसार का आला नमूना और क्या हो सकता है। जी, चूंकि दीन इस्लाम ने उनको भाई भाई बना दिया है, इस रिश्ते में पिरो दिया है, तो इस वजह से हर मुसलमान ने अपने दूसरे भाई का ख्याल किया। वो माशरा जहाँ लोग इसार व हमदर्दी से काम लेते हैं, ज़मीन पर जन्नत का नमूना पेश करता है। ऐसे माशरे में हर फर्द दूसरे का ख्याल करता है। ऐसा माशरा अखुवत और यगानगत की बेहतरीन मिसाल होता है। अखुवत का मतलब है भाईचारा और यगानगत का मतलब है इत्तहाद। इस्लाम ऐसा ही माशरा चाहता है जहां लोग मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसियों और इर्द गिर्द रहने वालों की खबरगिरी करें। देखिए, मुश्किल वक्त तो हर जगह किसी भी शख्स की जिंदगी में आ सकता है, और उनके दुख दर्द को बांटें, खबरगिरी करना, देखभाल करना। यानी कि सबसे पहले आप अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं। हमसाया, पड़ोसी क्या होता है? हमसाया। खुदगर्जी इसार की दुश्मन है। खुदगर्जी का क्या मतलब है? सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना, यानी कि अपनी गर्ज और अपने मकसद को हासिल करना जो है वो खुदगर्जी कहलाता है, और खुदगर्जी जो है वो इसार की दुश्मन है। अपने लिए तो हैवान भी जीते हैं। हैवान का मतलब आपको पता चल गया होगा, जानवर है। इंसान तो बेहतरीन मखलूक है, यानी कि अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल है इंसान। उसकी जिंदगी के मकासद में इंसानियत की फलाहो बहबूद के लिए काम करना है। फलाहो बहबूद, भलाई और बेहतरी। बाज़ोकात किसी मुल्क व कौम को किसी नागहानी आफत का सामना करना पड़ता है। नागहानी आफत यानी कि अचानक आ जाने वाली मुसीबत, जैसे जलजला, सैलाब। ये वो आफात और मुसीबतें हैं कि जिनके बारे में इंसान को पता नहीं होता, अचानक से ये मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान को ऐसी ही एक नागहानी आफत से दो चार होना पड़ा, यानी कि सामना करना पड़ा। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में आने वाले जलजले ने वो तबाही मचाई कि अल अमान वल हफीज। इसका मतलब है अल अमान वल हफीज, कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत और अमान में रखे। पूरी कौम अपने आफत जदा भाइयों की इमदाद के लिए उठ खड़ी हुई। मुल्क भर से कंबलों, लिहाफों, गर्म कपड़ों और खुराक से भरे ट्रक मुतासरा भाइयों के लिए भेजे जाने लगे। कौम यक दिल और यक जान हो गई। यक दिल का मतलब है एक जान, और यक जान का मतलब है एक जान, यानी कि सब में इत्तहाद और इत्तफाक हो गया कि अपने मजबूर और परेशानी में घिरे हुए भाइयों की मदद करेंगी। इस तरह 2010 में सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। कोई सूबा सैलाब की तबाहकारियों से नहीं बच सका। सैलाब अपने साथ बहुत से लोगों को बहा ले गया। उनके घर बार ढह गए, गिर गए। मवेशी पानी में बह गए। मवेशी का मतलब है जानवर। फसलें ज़ाया हो गईं। गर्ज वसी पैमाने पर नुकसान हुआ। वसी पैमाने मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। कौम ने एक मरतबा फिर इसार व हमदर्दी का सबूत दिया। लोगों ने सैलाब से मुतासरा भाइयों की दिल खोल कर इमदाद की, जिससे जो बन सका उसने किया, जो बन सका, जो हो सका। कौम ने इसार व हमदर्दी की जर्री मिसालें पेश की। जर्री का मतलब है रोशन। ऐसे मवाक़े कौमों की आजमाइश करते हैं। आजमाइश का मतलब है इम्तिहान, और मवाक़े मौका की जमा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम आजमाइश की इस घड़ी में सुरखुरू हुए, यानी कि कामयाब हुए। तो बेटा, मेरा ख्याल है कि आप सब ने मुश्किल अल्फाज के मानी नोट कर लिए होंगे। तो अब आपका टाइम बेटा ओवर हो गया क्लास का, तो अब बाकी जो है कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।